हेलो गाइज, मैं वीरेंद्र कुमार, ज्ञान ज्योति, पीवीटी आईटीआई कॉलेज चूरू स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे एसी सर्किट के अंदर। हमने पहले आरएलसी सर्किट पढ़ा और आज हम बात करेंगे आरएलसी समांतर क्रम परिपथ में अनुनाद। हमने पहले आरएलसी श्रेणी क्रम सर्किट पढ़ा, आज हमें आरएलसी समांतर क्रम सर्किट की बात करते हैं। आरएलसी समांतर क्रम सर्किट, आरएलसी समांतर क्रम में परिपथ में अनुनाद की बात करते हैं। तो गाइज, हम इसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। इससे पहले गाइज, हमारे देश में कोरोना महामारी का संकट चल रहा है, इसलिए हमारे देश में लॉकडाउन का सिस्टम लागू है। तो मेरा यही कहना है कि लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने सब्जेक्ट की तैयारी करते रहें। ओके गाइज, तो हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर एक। समांतर क्रम परिपथ के अनुनाद की, समांतर क्रम परिपथ के अनुनाद की, अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की, परिपथ की प्रतिबाधा जेड, परिपथ की प्रतिबाधा जेड का मान अधिकतम होगा, परिपथ की प्रतिबाधा जेड का मान अधिकतम होगा। हम यहां पे दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, अनुनाद की स्थिति में समांतर क्रम की बात हो रही है, अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में परिपथ में प्रवाहित धारा का मान, अनुनाद की स्थिति में परिपथ में प्रवाहित धारा का मान, परिपथ में प्रवाहित धारा का मान न्यूनतम होगा, परिपथ में प्रवाहित धारा का मान न्यूनतम होगा। एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है गाइज इस प्रकार की थ्योरी के, और आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं तो कृपया आप इसका अवश्य फायदा लें, आप इससे अच्छी तैयारी करें, टाइम निकाल कर आप इसको तैयार करें। तीसरा पॉइंट है, अनुनाद की स्थिति में अनुनाद की, अनुनाद की स्थिति में परिपथ, अनुनाद की स्थिति में परिपथ हमेशा प्रतिरोधी होगा, परिपथ हमेशा प्रतिरोधी होगा। परिपथ प्रतिरोध, प्रतिरोधी होने का मतलब है कि परिपथ में हमेशा प्रतिरोध का प्रभाव विद्यमान होगा। और चार नंबर पॉइंट रहेगा स्टूडेंट,
कि अनुनादी आवृत्ति से कम आवृत्ति पर, अनुनादी आवृत्ति से कम आवृत्ति पर, अनुनादी आवृत्ति से कम आवृत्ति पर परिपथ अनुनादी आवृत्ति से कम आवृत्ति पर परिपथ प्रेरकीय होगा। परिपथ प्रेरकीय होगा। मेरा कहने का मतलब है कि इंडक्टर का प्रभाव होगा। और हम 5 नंबर की बात करते हैं, अनुनादी आवृत्ति से अधिक आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति से अधिक आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर परिपथ यानी सर्किट धारितीय होगा। परिपथ है वो कौन सा होगा? धारितीय होगा, परिपथ धारितीय होगा। ओके गाइज, तो मैं इसके बाद में 3 पॉइंट नोट लगा के लिखवाता हूं, आप इसके ऊपर बिल्कुल गौर कीजिएगा। नोट लगा के 3 पॉइंट लिखवाता हूं। नंबर एक, मैंने पहले भी बताया है और अब भी बता रहा हूं, अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति F0, अनुनादी आवृत्ति को क्या बोलते हैं? F0 का मात्रक हर्ज होता है। हर्ज को किससे शो करते हैं? HZ से, हर्ज है। ओके गाइज, दूसरा पॉइंट, जबकि कोणीय आवृत्ति, जबकि कोणीय आवृत्ति ω0 का मात्रक, कोणीय आवृत्ति ω0 का मात्रक रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड होता है। क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड होता है। रेडियन पर सेकेंड होता है। और तीसरा, और ये समझने वाला पॉइंट है, आप ध्यान से समझिएगा, यदि ऑप्शन रेडियन पर सेकेंड में दिया हो, यदि कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, यदि ऑप्शन रेडियन पर सेकेंड दिया हो तो कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति ω0 का मान ज्ञात करें, ω0 का मान ज्ञात करें तथा ऑप्शन में, तथा
ऑप्शन में हर्ज एच जेड, हर्ज का मान, हर्ज का मान सॉरी हर्ज हर्ज में मान दिया गया हो तो अनुनादी आवृत्ति, तो अनुनादी अनुनादी आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति F0 का मान ज्ञात करें। यदि ऑप्शन में रेडियन पर सेकेंड दिया हो तो कोणीय आवृत्ति ओमेगा जीरो का मान ज्ञात करें, तथा ऑप्शन में हर्ज ऑप्शन हर्ज में दिया गया हो तो अनुनादी आवृत्ति F0 का मान ज्ञात करें। इस प्रकार का क्वेश्चन आपकी थ्योरी से पूछा जा सकता है। गाइज एक बात कहना चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में मैं गाइज एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूं इसी के ऊपर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर एक रहेगा, क्वेश्चन नंबर एक, एक आरएलसी मैं लिखवा देता हूं क्वेश्चन पहले, आप साथ साथ में पढ़ते रहिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। एक आरएलसी श्रेणी क्रम, एक आरएलसी श्रेणी क्रम परिपथ में, एक आरएलसी श्रेणी क्रम परिपथ में प्रतिरोध आर, प्रतिरोध आर बराबर 8 ओम, प्रेरकत्व एल, यहां पे प्रेरकत्व पूछा है न कि अक्ष एल, प्रेरकत्व प्रेरकत्व एल बराबर 8 हेनरी, क्योंकि प्रेरक का मात्रक क्या होता है हेनरी, तथा धारिता धारिता सी बराबर 2π एफ है, धारिता सी बराबर 2π एफ है। अनुनादी आवृत्ति F0 अनुनादी आवृत्ति F0 का मान, अनुनादी आवृत्ति F0 का मान क्या होगा, अनुनादी आवृत्ति F0 का मान क्या होगा। क्वेश्चन में R का मान दे रखा है, L का मान दे रखा है, C का मान दे रखा है, श्रेणी क्रम परिपथ है, और हम इसको आगे सोल्व करते हैं, हमें निकालना क्या है अनुनादी आवृत्ति। तो गाइज मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले प्रत्येक की वैल्यू यहां पे लिख देता हूं, उसके बाद में हम सोल्व करेंगे। प्रतिरोध आर कितना है 8 ओम, प्रेरकत्व एल बराबर कितना है 8 हेनरी, क्योंकि प्रेरक का मात्रक क्या होता है
हेनरी। और धारिता सी बराबर कितना है? 2 पाई एफ। और हमें पूछा क्या है? अनुनादी आवृत्ति F0 क्या है? तो गाइजे आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आगे मैं इसको सोल्व करवाऊंगा। हमें F0 का मान पूछा है, तो F0 की जगह में F0 को बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति। इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं सीधा सा, तो फॉर्मूला आएगा 1/2 पाई √L गुणा सी। ये फॉर्मूला रख दिया मैंने, लिख दिया ये फॉर्मूला मैंने यहां पे लिख दिया। और ये फॉर्मूला रखने के बाद में यहां पे F0 इक्वल टू पूरा का पूरा मान है वो मैं यहां पे शो कर देता हूं, यानी इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं। तो गाइज 1/2 पाई की वैल्यू कर दी मैंने 22/7 इंटू रूट एल की वैल्यू कितनी है? 8। आठ आठ और सी की वैल्यू कितनी है? 2 पाई, सॉरी 2 पाई F नहीं है, ये 2 माइक्रोफेरेड है, 2 माइक्रोफेरेड। और यहां पे भी क्या है? 2 माइक्रोफेरेड। तो 2 × 10⁻⁶ माइक्रोफेरेड कितना आ गया? 10⁻⁶। ओके गाइज, उसके बाद में F0 बराबर मैं क्या करूंगा, इसको आगे सोल्व करता हूं। तो 1/2 × 22/7 यहां पे इंटू आगे इस समीकरण को इसको सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा, ये कट जाएगा ऊपर का कोष्टक और ये आ जाएगा 4 × 10⁻⁶। 4 × 10⁻³ आ जाएगा। ओके गाइस, अगर मैं F0 बराबर है ये 7 ऊपर ले जाता हूं और ये घात ऊपर ले जाता हूं −3, तो ये आ गया 7000। और नीचे क्या बचा? 2 × 22 × 4 और F0 बराबर इसको अगर गुणा करते हैं तो बाई को बाया बाई दो 44 और 44 को 4 से गुणा करते हैं तो आता है 176। तो ये आ गया 7000/176, 7000/176। ओके गाइज, F0 का मान कितना आया? 7000 में 176 का भाग देना है। ये F0 बराबर अगर हम एक 7000 के अंदर 176 का भाग देते हैं
तो आता है 39.78। और ये क्या है? हर्ज। ये क्या है? हर्ज में, क्योंकि अनुनादी आवृत्ति का मात्र क्या होता है? हर्ज। यहां पे कोणीय आवृत्ति नहीं पूछी गई है, अनुनादी आवृत्ति ही पूछी गई है। तो इसका मान कितना आया? 39.78 हर्ज। ओके गाइज, हम नीचे लिख सकते हैं अच्छा सा पॉइंट है, हम नीचे अच्छा सा पॉइंट लिख सकते हैं गाइज। अतः अनुनादी आवृत्ति F0 बराबर 39.78 हर्ज होगी, हर्ज होगी। तो ये क्या हुआ? इसका मान कितना आया? अनुनादी आवृत्ति 39.78 हर्ज होगी। इसी के साथ स्टूडेंट हमारा एसी चैप्टर के अंदर जो मेन टॉपिक है, मेरे को लगा कि जो आपके हुए नहीं है या आपको कम समझ में आया है, उनका मैंने दोबारा से रिवीजन करवा दिया है। इससे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। हमें इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार नोट, दोबारा से एक बार हम इसको सोल्व करते हैं। एक RLC श्रेणी क्रम, एक RLC श्रेणी क्रम परिपथ में प्रतिरोध R 8 ओम, प्रेरकत्व L 8 हेनरी तथा धारिता सी का मान कितना है? 2 माइक्रोफेरेड है। अनुनादी आवृत्ति F0 का मान क्या होगा? अनुनादी आवृत्ति F0 का मान क्या होगा? तो मैंने यहाँ पे तीनों इक्विपमेंट की या तीनों इन की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। प्रतिरोध R बराबर 8 ओम, प्रेरकत्व L बराबर 8 हेनरी और धारिता C बराबर 2 माइक्रोफेरेड। मैंने पहले बोलने में मिस्टेक कर दी गाइज, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू होती है 2 πf, मेरे को ये पाई क्या लगा, ये माइक्रोफेरेड पाई लगा, तो मैंने वो बोल दिया पहले कि इसका धारिता सी का मान है 2 πf है, लेकिन इसका मान क्या है? 2 माइक्रोफेरेड है। अनुनादी आवृत्ति F0 का मान क्या होगा? तो गाइज, ये अनुनादी आवृत्ति ज्ञात करने का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा और फॉर्मूला आया कैसे वो भी मैंने बताया है ऊपर। तो F0 बराबर 1/2πrootLC और F0 बराबर होता है 1/2π/22 इंटू ये रूट लगा दिया और इसमें 8 × 2 μ की वैल्यू होती है, म्यू की वैल्यू होती है 10^-6। मैंने 10^-6 पुट किया है और F0 बराबर इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है गाइज, ये रूट हटाते हैं तो इसमें 2 × 2 हट जाता है तो बचता है 2 × 2। अगर 8 कितना होता है? 2 × 2 × 2
कितना होता है, 2 × 2 × 2 = 8 होता है, तो ये हट जाता है और ये बचता है यहाँ पे 2 × 2, तो ये 2 × 2 = 4 हो गया, ये भी साथ में हट जाएगा। 10^-6 है तो यहाँ पे 10^-3 बचेगी, तो इसकी वैल्यू आ गई 2 × 22/7 × 4 × 10^-6। ये 7 में ऊपर भेज देता हूँ, ये 7 ऊपर भेज दिया और 10^-6, 10^-3 ऊपर भेजता हूँ तो 3 शून्य लग जाती हैं। तो F0 का मान क्या आया, 7000/2×22×4, 2×22, 2 को 22 से गुणा करते हैं तो 44, और 44 को 4 से गुणा करते हैं, 44 को 4 से गुणा करते हैं तो 4 × 16 को 6 हाथ की लगी 1 × 4 = 16 × 17 176 आता है, वो 176 मैंने यहाँ पे लिख दिया। और फिर क्या किया, 7000 के अंदर 176 का भाग दिया तो गाय जिसकी इसका मान आ जाएगा 39.78 और इसका मात्रक क्या होता है, हर्ज, इसका मात्रक क्या होता है, हर्ज। तो F0 अनुनादी आवृत्ति F0 का मान क्या होगा, 39.78 हर्ज। अतः अनुनादी आवृत्ति F0 का मान क्या होगा, 39.8 हर्ज होगा। ओके गाइज, ओमेगा की वैल्यू मैंने पहले ही बताई है और यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, आपको ध्यान में रखनी है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf, ओमेगा की वैल्यू हमेशा 2πf होती है, और ओमेगा 0 है तो वो क्या है, कोणीय अनुनादी आवृत्ति होती है, कोणीय अनुनादी आवृत्ति, और कोणीय अनुनादी आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, कोणीय अनुनादी आवृत्ति का मात्रक के गाइजे रेडियन पर सेकेंड होता है, और अनुनादी आवृत्ति F0 का मात्रक हर्ज होता है। ये 3 पॉइंट मैंने लिखवाए, ये आपको ध्यान में रखना है, अनुनादी आवृत्ति F0 का मान हर्ज होता है, जबकि कोणीय आवृत्ति ω0 का मात्रक रेडियन पर सेकेंड होता है। यदि ऑप्शन में रेडियन पर सेकेंड दिया है तो कोणीय आवृत्ति ω0 का मान ज्ञात करें, तथा ऑप्शन में हर्ज, ऑप्शन में हर्ज मान दिया गया हो तो अनुनादी आवृत्ति F0 का मान ज्ञात करें। ओके गाइज, मैं 5 पॉइंट आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं। RLC श्रेणी क्रम परिपथ में अनुनाद, RLC श्रेणी क्रम परिपथ में अनुनाद, तो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं। RLC समांतर क्रम परिपथ में अनुनाद, तो नंबर 1 समांतर क्रम परिपथ के अनुनाद की, समांतर क्रम परिपथ में अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा जेड का मान अधिकतम होगा, जेड का मान अधिकतम होगा, और इस स्थिति में परिपथ की अनुनाद की स्थिति, दूसरा पॉइंट है अनुनाद की स्थिति में परिपथ में प्रवाहित धारा का मान न्यूनतम होगा, और तीसरा पॉइंट अनुनाद की स्थिति में परिपथ हमेशा प्रतिरोधी होगा, अनुनाद की स्थिति में परिपथ हमेशा प्रतिरोध होगा, प्रतिरोधी होगा, यानी उसमें केवल रेजिस्टेंस से केवल प्रतिरोध का प्रभाव होगा। चौथा पॉइंट है अनुनादी आवृत्ति से कम आवृत्ति पर परिपथ प्रेरकीय होगा, यानी अनुनादी आवृत्ति से कम आवृत्ति है तो परिपथ में इंडक्टर यानी कुंडली वाले का प्रभाव ज्यादा रहेगा। और पॉइंट नंबर 5 अनुनादी आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर परिपथ धारितीय होगा, यानी अनुनादी आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर परिपथ क्या होगा, धारितीय होगा, यानी उसमें किसका प्रभाव ज्यादा होगा, कैपेसिटर का प्रभाव होगा।
और अनुनाद की स्थिति में परिपथ में R L C प्रतिरोध R, प्रेरक L और कैपेसिटर C तीनों का होना अनिवार्य है, तीनों का होना अनिवार्य है, ये मैंने पहले करवा दिया है। तो ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। आप से यही गुजारिश है कि आप अपने सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी करें, पढ़ाई करते रहें, इसी के साथ आप बने रहें। गाइज, एक मेरा विशेष तौर पे कहना है कि आप लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, और घर में रहें, सुरक्षित रहें, और अपने सब्जेक्ट की तैयारी करते रहें। स्टूडेंट, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। थैंक्स, आज के लिए इतना ही। आज है 30 अप्रैल और 30 अप्रैल का ये लास्ट वीडियो है। हम मई से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के पेपरों को सोल्व करेंगे, यानी हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसे मैं थ्योरी का वीडियो बनाता हूँ, उसी प्रकार आपको ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की पीडीएफ मिलेगी। क्योंकि स्टूडेंट, आपके एग्जाम के दिन कम ही बचे हैं और आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आते हैं, इसलिए मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूंगा कि पहले क्वेश्चन तैयार करके उसकी पीडीएफ तैयार करूं, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। तो मैं सर से इजाजत ले लेता हूं, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की सीरीज सोल्व करवाऊंगा। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक्स, आप यूं ही बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। ओके गाइज, घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम स्टे लिव। आपका अपना थैंक्स।